हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रेशंस। और बच्चों, आज के लेक्चर में हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आगे और बढ़ाना है, और आज हम और कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आई बिलीव अभी तक हमने जितना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा पढ़ा है, और जो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर देखे थे, वो आप सबको पूरा का पूरा क्लियर होगा। इसके अलावा बच्चों, जो मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप जरूर अच्छे से सॉल्व करें। और अगर अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए बाकी और कोई ना कोई रेफरेंस बुक से, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे सेंगेज की बुक अच्छी है और हॉलैंड नाइट अच्छी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन बुक से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूं, या इन बुक्स के भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस डिस्कस करूं इस लेक्चर में, तो जरूर बच्चों मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में ये चीज बता दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। बच्चों देखो, हमारे सामने बोर्ड में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टेंट सीरीज इज आल्सो अ जीपी। इस तरीके का हमने प्रॉपर्टी जो किसमें देखा था, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखा था, कि अगर पूरी की पूरी एपी को हम एक कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी उस कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाली चीज हमने पढ़ी हुई। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? इसमें हम क्या ये चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो पहला टर्म मेरे पास ए है, उसके बाद अगला टर्म मान लो ए आर है, उसके बाद ए आर स्क्वायर है, उसके बाद ए आर क्यूब है, एंड सो ऑन। मान लो एक मेरे पास ये जीपी। अब अगर इस जीपी में मान लो बेटा कि मैं आपको बोल देता हूं पूरे को के से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी की पूरी जीपी को आप लोग के से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस सिचुएशन में हमारे पास बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a इंटू के, ये आ जाएगा ए आर इंटू के, ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू के, ये आ जाएगा ए आर क्यूब इंटू के, एंड सो ऑन। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ बेटा कि जब आप इसका रेशियो लेते हो, तो अभी भी बेटा आपके पास जो सीरीज है वो ये वाली सीरीज अभी भी है, तो जीपी में ही, जिसका कॉमन रेशियो बेटा अभी भी हमारे पास आर ही है। देखो, ए आर के बाय ए के करोगे तो आर बचेगा, ए आर स्क्वायर के बाय ए आर के करोगे तो भी आर बचेगा। कॉमन रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और जो रिजल्टिंग सीरीज है, वो भी अपने पास जीपी ही है। एपी में हमने बेटा देखो क्या देखा था, कि अगर मान लो हमारे पास पहला टर्म ए था, दूसरा टर्म ए प्लस डी था, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी था, चौथा टर्म ए प्लस थ्री डी था, एंड सो ऑन। अगर इस तरीके का हमारे पास सीरीज दिया हुआ था, और मान लो बेटा इस पूरे के पूरे एपी को मैं के से मल्टीप्लाई करता था, तो हमने क्या चीज देखी थी कि ये पहला टर्म ए के हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस डी टाइम्स के, फिर आ जाएगा ए प्लस टू डी टाइम्स के, फिर आ जाएगा ए प्लस थ्री डी टाइम्स के, एंड सो ऑन। जिसका मतलब क्या है, ये ए के प्लस डी के, ए के प्लस टू डी के, ए के प्लस थ्री डी के। तो आप बेटा ध्यान से देखो कि अभी भी आपके पास ये जो सीरीज है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही, जिसका फर्स्ट टर्म चेंज हो गया। यहाँ पर देखो, फर्स्ट टर्म यहाँ भी चेंज हो गए, पहले फर्स्ट टर्म ए था, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए के है। यहाँ पे भी देखो, पहले फर्स्ट टर्म ए था, यहाँ पे अब फर्स्ट टर्म ए के है, लेकिन सेकेंड टर्म जो है देखो वो क्या हो गया, ए के प्लस डी के, और ए के प्लस डी के हुआ तो बताओ उसमें कॉमन डिफरेंस, अब नया कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस न्यू, या न्यू कॉमन डिफरेंस फॉर दिस एपी इज डी के, क्योंकि देखो आप जब इसमें डी के ऐड करोगे तो ये टू डी के हो गया, इसमें आप डी के ऐड करोगे तो ये थ्री डी के हो गया। तो ये वाली चीज हमने पढ़ी हुई है कि जब हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सीरीज होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो होती ही होती है, लेकिन उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो उसी नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाता है। और अगर हम जीपी की बात करें तो देखो, जीपी में बेटा हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए पूरी की पूरी जीपी को, तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगी वो वाली रिजल्टिंग सीरीज भी जीपी होगी, जिसका कॉमन रेशियो अनचेंज्ड होगा, जिसका कॉमन रेशियो विल नॉट बी चेंजिंग एंड कॉमन रेशियो विल रिमेन आर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं सपोजिशन ऑफ टर्म्स, तो हमने, आप याद करो बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज पढ़ी थी कि अगर मान लो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है कि तीन टर्म्स एपी में, अगर हमें मान लो बोला जाता है कि थ्री टर्म्स आर इन एपी, तो हम जनरली कैसे मानते हैं, पहले टर्म को ए मान लेते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी मान लेते हैं, और इधर एक टर्म को ए माइनस
और इस तरीके से हम टर्म्स को सपोज करके अपना सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो और अगर ये अपने पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में होता तो, और ये मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में हम जनरली कैसे लिखते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a प्लस थ्री डी, यहाँ आ जाएगा a माइनस थ्री डी, और इस तरीके से हमारी सीरीज चलती थी। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास दैट इज इक्वल टू टू डी, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था हमारे पास दैट वॉज इक्वल टू डी। अब अगर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज पढ़ रखी है, अगर अपने पास जीपी अगर बोला जाता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के साथ हमको बनाना है, अगर मान लो मैं बीच वाले टर्म को बोल दूं ए, अगर मान लो मैं बीच वाले टर्म को बोल दूं ए, और उसके बाद ए आर आ गया मेरा उसके बाद वाला टर्म, और उसके पहले वाला टर्म आ गया ए बाय आर, सिमिलरली ये आ गया ए बाय आर स्क्वायर और ये आ गया ए आर स्क्वायर। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ, इसमें बेनिफिट ये हुआ बेटा कि जब जब आप इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये वाला r और ये वाला r कट जाएगा, ये वाला r स्क्वायर और ये वाला r स्क्वायर कट जाएगा। या अगर आप मुझे बोलो कि सर इसमें बताओ आप कॉमन रेशियो क्या है, इसमें आप मुझे बताओ कॉमन रेशियो क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये वाले टर्म में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, r मल्टीप्लाई किया, ये वाले टर्म में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, r मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन रेशियो अभी भी r है, कॉमन रेशियो भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे टर्म्स को मानूंगा तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आज जब हम लेक्चर में ऐसे सवाल बनाएंगे तो उससे बेटा आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि कॉमन रेशियो अगर अभी भी आ रहा है लेकिन ऐसे टर्म्स मानने में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लो मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है जीपी में, अगर मेरे पास मान लो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है जीपी में, तो वैसे सिचुएशन में देखो मेरे पास जो मेरा ये वाला टर्म था ये आ गया ए आर, जैसे अगर हम उसमें क्या मानते थे a माइनस डी और a प्लस डी मानते थे और उसके बाद इधर 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 बनाते जाते थे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लेता हूँ बीच वाले दो टर्म्स को a बाय r और a r, तो अब मैंने r स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और r स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर दिया, तो आप देखो a बाय r क्यूब a बाय r ar ar क्यूब, ये सारे के सारे टर्म्स अभी भी किसमें है जीपी में, और ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ये जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मैं ये वाला ले लूं तो देखो ये तीन भी ऑड है, यहाँ पे अगर मैं लूं तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या बेनिफिट आएगा, यहाँ पे भी जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो देखो ये आर क्यूब और आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा और कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कॉमन रेशियो की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा कॉमन रेशियो की, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो विल बी आर स्क्वायर, क्योंकि जब मैं a बाय आर क्यूब में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो a बाय आर आएगा, a बाय आर में जब मैं आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो a r आएगा, a r में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो a r क्यूब आएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड लास्ट बेटा अपने पास जो है इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए पी में होते थे तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ए बी सी ए पी में होते थे तो हमें पता था कि टू बी की वैल्यू ए प्लस सी के बराबर होती थी, है ना, पर अगर एबीसी जीपी में है तो हमें क्या पता है रेशियोज उनके सेम होंगे, दैट इज बी बाय ए विल बी इक्वल टू सी बाय बी, रेशियो सेम होंगे, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एसी के बराबर, दिस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एसी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब कुछ कुछ अगर हमने थ्योरी पढ़ ली है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं सो दैट कि हमारा कंसेप्ट और बेटर बिल्ड हो पाए। सवाल हमारे सामने बेटा पहला लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो कि आपके पास क्या बोला गया, तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स मतलब ऑड होता है, ऑड होता है मतलब हम क्या मान सकते हैं टर्म्स को हमारे, लेट द टर्म्स बी, है ना, लेट द टर्म्स बी, हम बेटा मान सकते हैं ए बाय आर ए और ए आर, ये मान लेते हैं ये तीन टर्म्स हमारे पास जीपी में, ये तीन टर्म्स हमारे पास जीपी में जिसमें फर्स्ट टर्म है ए बाय आर और कॉमन रेशियो है आर। अब अगर ये तीनों टर्म्स हमारे पास जीपी में है तो आपको बोला जा रहा है सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19, व्हिच मींस इन तीनों का सम, इन तीनों का सम ए बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू मुझे 19 दी हुई और मुझे बोला जा रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, इन तीनों का प्रोडक्ट ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर, इसकी वैल्यू मेरे पास 216 दी हुई। अब मुझे पता है कि बेनिफिट क्या होता है, जब प्रोडक्ट हो रहा होता है तो ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप यहां से देख सकते हैं बच्चों ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 216, और अगर ए क्यूब की वैल्यू 216 आ गई तो ए की वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, तो अगर ए की वैल्यू 6 आ गई तो देखो एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो गया,
इक्वेशन मेरे पास ये था पहला वाला जिसमें a की वैल्यू आ चुकी है, तो यहां से r की वैल्यू तो निकाली जा सकती है। अब आपको बोला जा रहा है sn की वैल्यू बताओ, तो देखो सबसे पहले हम a equals to 6 को यहां पर अगर पुट करते हैं और अगर हम r की वैल्यू निकालने का ट्राई करें तो यहां से बेटा हम बोल सकते हैं कि 6/r + 6 + 6r = 19। ये वाली चीज आ गई 6/r + 6 + 6r = 19। यहां हम ये बोल सकते हैं कि 6/r + 6r = 19 - 6, 19 माइनस 6 आ जाएगा 13, 19 माइनस 6 आ जाएगा 13। और अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 + 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। इसको आप ऐसे समझ लो, r से मल्टीप्लाई करना है, यहां LCM लेके r को उधर RHS में सेंड कर दो, एक ही बार। इक्वेशन हमारे पास अगर ये आ गई, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, 6r स्क्वायर - 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मान लो बेटा मुझे ये सॉल्व करना है, तो देखो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर हो गया 169 माइनस 4ac, तो 4 × 6 × 6 हो गया 36 अपॉन 2 × a, तो 2 × a हो गया 12 अपने पास, 2 × a हो गया 12 अपने पास। तो यहां से आप देखो क्या आ गया, 13 प्लस माइनस रूट ओवर 169 और 36 × 4 बताओ कितना होता है, 36 × 4 बेटा अपने पास आ जाएगा 4 × 30 120 और 144। 169 में से अगर 144 माइनस हुआ तो 169 में से अगर 144 माइनस हुआ तो अपने पास बचेगा 25 अपॉन 12 which is actually equal to 13 plus minus 5 upon 12। इसे हम बोल सकते हैं क्या, 13 plus 5 18/12, तो 18/12 कितना होता है, 18/12 होता है 3/2 और 13 minus 5 is 8, 8/12 होता है 2/3, 8/12 होता है 2/3। ये अपने पास वैल्यू आ गई r, कॉमन रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2 या 2/3। अब अगर हमारे पास ये कॉमन रेशियो आ चुका है तो अब आप यहां पर देखिए, आपसे बोला जा रहा है बेटा SN निकालने के लिए, अब इसमें आप अगर सोचेंगे तो SN की वैल्यू क्या होगी, अगर R दो अलग-अलग आ रहे तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, if the sum of the first three consecutive terms of a GP is 19, तो अगर बताओ मेरे पास अगर कोई एक GP है तो उसका पहला टर्म मैंने माना था a/r, तो पहला टर्म अगर a/r मैंने माना था तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 6 × अगर मेरा पहला टर्म मैं मान लेता हूं 3/2, अगर मैं r को फिलहाल मान लूं 3/2 तो 6 by r है ना, तो 6/3/2 और फिर 6 और उसके बाद 6 × 3/2, यही आएगा मेरे पास r की वैल्यू अगर 3/2 है तो 6/3/2 बताओ कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 12/3, ये आ जाएगा 4, ये अपने पास 6 है ही और यहां से हम करेंगे तो याद आएगा 9, 4 6 और 9, देखो 6/4 भी 3/2 होता है, 9/6 भी 3/2 होता है। या आपके पास अगर मान लो यहां पे तो आपने r की वैल्यू 3/2 मानी थी, अगर मान लो मेरे पास r की वैल्यू मैंने 2/3 मानी होती तो मेरे पास सीरीज क्या होती, 6 upon 2/3, 6 × 2/3, तो यहां से मेरे पास आ जाता है 3 ऊपर जाता तो अपने पास आ जाता कितना 18/2 which is 9 फिर 6 और उसके बाद 4 है ना, तो या तो ये सीरीज इस तरीके से मेरे पास इंक्रीजिंग आती या ये सीरीज इस तरीके से मेरे पास डिक्रीजिंग आती। अब ये तीनों ही सिचुएशन में हमारे पास यहां पे देखो कहीं पे भी बेटा ये चीज लिखी हुई नहीं है, कि ये सीरीज इंक्रीजिंग जीपी है या डिक्रीजिंग जीपी, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। बेटा हम यहां पे बात करें, अगर हम r = 3/2 के लिए बात करें, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ sn कितना हो जाएगा, sn होता है a × r^n-1/r-1, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, r की वैल्यू 3/2 है तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, तो यहां से मैं अपना इक्वेशन लिख लूंगा, a की वैल्यू है 6 तो अपने पास आ जाएगा 6 × 3/2 raised to the power n, इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 × 3/2 raised to the power n-1 by 6 - 1, sorry, 3/2 - 1, तो 3/2 - 1 कितना हो जाएगा 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे 12,
और अगर हम S इंफिनिटी की बात करें, अगर हम S इंफिनिटी की बात करें तो हमें पता है कि अगर अगर बेटा आपके पास इनफाइनाइट चला जाता है सम, सम क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। आप देखो 4, 6, 9 इस तरीके से अगर टर्म्स मेरे सामने लिखे होंगे और ये सारे टर्म्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो S इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। और अगर हम दूसरे केस के लिए बात करें, अगर हम दूसरे केस के लिए बात करें तो आप बेटा देखो दूसरे केस के लिए देखो R की वैल्यू है 2/3, R की वैल्यू है 2/3 और A की वैल्यू थी 6, तो मेरे पास Sn बताओ कितना आ जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसको हम लिख लेते हैं A into 1 minus R की पावर n अपॉन 1 minus R, 1 minus R, तो 1 minus 2/3 जब मैं करूंगा तो 1/3 हो जाएगा और 3 घूम के जैसे ऊपर जाएगा तो ये 6 into 3 आ जाएगा 18, ये मेरे पास आ जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। और S इनफिनिटी बताओ कितना होता है, जब R की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो S इनफिनिटी होता है A by 1 minus R which is actually equal to 6 by 1 minus R की वैल्यू है 2/3, तो ये 1/3 हो गया, ऊपर गया तो इसकी वैल्यू आ गई 18, S इनफिनिटी की वैल्यू आ गई 18, so this is my final answer। Next question है बेटा हमारे सामने लिखा हुआ है given in a GP, अगर पहले तीन टर्म्स जो A1, A2 और A3 अगर उनका सम हमारे पास 13 दिया हुआ है और उनके स्क्वायर्स का सम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर उनके स्क्वायर्स का सम अगर हमारे पास 91 दिया हुआ है तो हमें Sn बताने बोला जा रहा है, हमें Sn बताने बोला जा रहा है। अब बेटा आप एक चीज समझो कि सपोजिशन वाला जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया था, अभी जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए होते हैं तो हम A by R, AAR या AR square इस तरीके की चीजें लेते हैं, उसका जो मेजर एक बेनिफिट आता है वो आता है जब हमें नंबर्स के प्रोडक्ट दिए होते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट दिया होगा तभी ये डिनोमिनेटर वाला R और न्यूमरेटर वाला R कैंसल आउट होगा, अदरवाइज सपोज करने का कोई सेंस नहीं। आप सोच के देखो अगर आपको नॉर्मली एडिशन दिया होगा, अगर आपको नॉर्मली एडिशन दिया होगा तो आप A by R, A, AR, AR टर्म्स क्यों मानोगे, उसमें कोई भी फायदा है ही नहीं। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट दिया होगा तो ओवर डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कैंसिल आउट होगा, वहां पे फायदा। तो यहां पर बच्चों सपोज करने का कोई सेंस नहीं, यहां पे सपोज करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। तो देखो हम अपने जो टर्म्स है वो जनरल मान लेते हैं, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर और सो एंड सो। तो यहां पे अपने पास बताओ क्या आ जाएगा, पहले तीन टर्म्स का सम अगर 13 है विच मीन्स ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास है 13, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू है 13, इसे मान लेते हैं इक्वेशन वन, इसे मान लेते हैं इक्वेशन वन, और उनके स्क्वायर्स का सम अगर 91 है तो बताओ पहले वाले टर्म का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, फिर सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर हो गया ए आर का होल स्क्वायर और थर्ड वाले टर्म का स्क्वायर हो गया ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है 91, इसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है 91। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू द पावर 4, इसकी वैल्यू आ गई 91, इसकी वैल्यू आ गई 91। और ये बेटा अपन मान लेते हैं इक्वेशन 2, ये बेटा मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब जैसे ही हमारे पास ये दो इक्वेशन आए, अब यहां पर अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप बेटा एक चीज देखो, ये r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, इसे आप कैसे लिख सकते हो, क्या इसे मैं ये अंदर वाली जो चीज है बहुत ध्यान से देखना, जो हमारे पास लिखा हुआ है r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, इसमें r स्क्वायर ऐड भी कर दिया और r स्क्वायर सबट्रैक्ट भी कर दिया, ये वाली पूरी चीज में r स्क्वायर ऐड भी कर दिया और r स्क्वायर सबट्रैक्ट भी कर दिया। और जैसे ही मैंने ये वाला प्रोसेस किया तो देखो ये वाली जो चीज है वो क्या लिखा हुआ है, r की पावर 4 r स्क्वायर और r स्क्वायर जुड़ गया 2r स्क्वायर और प्लस 1 और ये वाला माइनस r स्क्वायर अलग वैसे का वैसे। और यहां पे आप देखो क्या ये वाली चीज, क्या ये वाली चीज अब r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस r स्क्वायर वैसे का वैसे। अब देखो ये पूरा का पूरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्म है तो ये आइडेंटिटी हो गई a प्लस b और a माइनस, ये अपने पास अपनी आइडेंटिटी आ गई। हमने क्या किया, हमने ये वाले पूरे टर्म को फैक्टराइज करके लिख दिया इस फॉर्म,
ये अपने को ध्यान रखना बेटा, इसका फैक्टराइजेशन अपने को ध्यान रखना है। कई बार इसका फैक्टराइजेशन अपने यूज आता है ना, प्रैक्टिस से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। और जो पहला वाला इक्वेशन, जो पहला वाला इक्वेशन है, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है ना, यहाँ पे a का स्क्वायर, अगर मैं इस पहले वाले इक्वेशन का आपको बोल देता हूँ स्क्वायर करने के लिए, और फिर जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो ये वाला a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और r में मेरे पास रिलेशन आ जाएगा और मैं r की वैल्यू निकाल पाऊंगा। सोच के देखो, अगर मैं पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, वो इस वाले ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये दोनों रिलेशन पूरे के पूरे आर में आ जाएंगे, डिवाइड करके निकालूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही हम इसको स्क्वायर करें हमारे पास बताओ क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 + r + r² का होल स्क्वायर, 1 + r + r² का होल स्क्वायर, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया पूरे को, और इसी को 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 3, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। और जैसे ही बेटा मैं आपको बोलूं डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3, तो जब मैं 2 से 3 को डिवाइड करूंगा तो बताओ मेरे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर टाइम्स ये वाली अंदर वाली चीज फैक्टराइज होकर ये लिख सकता हूं मैं r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, ये वाली पूरी चीज को फैक्टराइज करके मैंने ये लिखा हुआ, और इसकी वैल्यू 91, और डिवाइड में हमारे पास क्या लिख दिया मैंने यहां पे a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, और क्योंकि उसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको दो बार लिख देते हैं 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर को, और यहां पे डिवाइड में आ जाएगा 169। यहां तक इजीली बच्चों कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, ये वाले दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, अब मेरे पास बचा क्या मेरे पास, और यहां पे भी आप देखो 91 जो होता है, 91 होता है बेटा 91 एक्चुअली होता है 13 × 7, 91 एक्चुअली होता है 13 × 7, और 169 होता है 13 × 13, तो क्या एक 13 और एक 13 भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहां पे मेरे पास जो इक्वेशन आ गया उसको मैं अगर लिख दूं आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू है 7/13, इसकी वैल्यू है 7/13। जैसे हम बेटा इधर उधर सॉल्व उसको पूरा करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 13, ये वाली जब चीज इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये आया इज इक्वल टू 7 आर स्क्वायर प्लस 7 आर प्लस 7, और यहां से जब हम एक साइड ले आएंगे तो 13r² में से 7r² गया तो बचा 6r² माइनस 13r में 7 माइनस 7r आके जोड़ा तो माइनस 20r, और 13 में से 7 गया तो अपने पास बचा 6 = 0, और इस पूरे में क्योंकि 2 का फैक्टर कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं 3r² माइनस 10r प्लस 3 = 0। फर्दर बेटा इसको लिखा जा सकता है 3r² और माइनस 10r को हम क्या माइनस 9r माइनस r, और यहाँ पे प्लस 3 = 0 ऐसा लिख सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा, 3r कॉमन ब्रैकेट में r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ब्रैकेट में r माइनस 3 = 0, विच गिव्स मी 3r माइनस 1 इनटू r माइनस 3 = 0, तो r की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा 1/3, r की वैल्यू बेटा अपने पास आ गई 1/3। अब जैसे ही अपने पास ये वैल्यू आई r की, जैसे ही अपने पास ये वैल्यू आई अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, a निकालना पड़ेगा। r की देखो दो वैल्यूज आ रही, r की दो वैल्यूज आ रही, अब जैसे ही हम a की वैल्यू निकालें तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारे पास रिलेशन था a इनटू 1 प्लस r, अगर मैं r की वैल्यू 1/3 रखता हूं, अगर मैं r की वैल्यू 1/3 रखता हूं तो आ जाएगा a इनटू 1 प्लस r मतलब 1/3 प्लस r square मतलब आ जाएगा 1/9 और is equal to 13, यही चीज आएगी अगर मैं यहां पे पुट करूंगा a की वैल्यू निकालने के लिए, तो a के साथ आ जाएगा बताओ अंदर LCM आ गया 9, यहां आ गया 9, फिर यहां आ गया 3 और फिर यहां आ गया 1 और is equal to आ गया 13। तो यहां से अपने पास बेटा a into 9 plus 3 12 और 1 13 by 9 is equal to 13 आया, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू आ गई। नहीं बोलने का क्या मतलब है, जब r की वैल्यू 1/3 थी तो a की वैल्यू आई 9, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, sn पूछा जा रहा था,
तो बताओ SN क्या आ जाएगा, क्योंकि R1 से छोटा है तो इसको हम लिख लेते हैं A into 1 minus R की पावर N, 1 minus R की पावर N upon 1 minus R, upon 1 minus R, तो 1 minus 1 by 3 will be equal to 2 by 3, will be equal to 2 by 3, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा ट्रांसपोज करके तो ये अपने पास आ जाएगा, ये वाला 3 ऊपर गया तो 9 into 3 आ जाएगा 27, तो ये मेरे पास आंसर हो गया SN का 27 by 2 into 1 minus 1 by 3 raised to the power N. ये वाला आंसर कब आया जब R की वैल्यू 1 by 3 थी. अभी एक केस बचाओ, अगर R की वैल्यू 3 में, अगर R की वैल्यू बच्चों 3 हुई तो बताओ A कितना आएगा, A into 1 plus R, R की जगह पे लिख दिया 3 plus R square, उसके जगह पे लिख दिया 9 और is equal to लिख दिया 13, is equal to लिख दिया 13, तो A into अपने पास कितना आ गया, 1 plus 3 is 4 और 9 is 13, is equal to 13, तो 13 से 13 cancel out, तो A की वैल्यू आ गई 1, A की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, तो यहां से बताओ अपने पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां पे R is greater than 1 तो मैं equation लिख सकता हूं SN is equals to A into R raised to the power N minus 1 upon R minus 1, तो R minus 1 कितना होगा 2, तो अपने पास SN की अगली वैल्यू आ गई 1 into 3 raised to the power N minus 1 divided by 2. अगला सवाल बच्चों हमारे सामने देखो जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है the sum of an infinite number of terms in a GP is 15. एक सीरीज में infinite number of terms तक का sum जो है GP में वो 15 है और उनके squares का sum, उनके squares का sum बेटा आपने पास दिया हुआ 45, तो आपको बोला जा रहा है find the series, find the series. Imagine करो अगर बेटा मैं series मान लूँ A, AR, AR square, AR cube and so on. ये अगर मान लो मैं series मान लेता हूँ और इसके squares वाले term जो होंगे, इनके squares वाले term होंगे A square, R square, A square R raised to the power 4, A square R raised to the power 6 and so on. ये इनके squares वाले term होंगे, ठीक है ना, ये जो होंगे इनके squares वाले term होंगे. आप बेटा मुझे ये बताओ कि आपको बोला जा रहा है infinite number of terms हैं, ये infinite number of terms हैं, इनका sum 15, इनका sum 15 है, तो हमें क्या पता है कि 15 की value किसके बराबर होगी, S infinity क्या होता है, S infinity होता है A by 1 minus R. यहाँ पे A है, first term A है, by 1 minus common ratio R है, तो 1 minus R, इसकी value 15 हो गई. यहाँ से हम बताओ क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 15 minus 15R is equals to A, 15 minus 15R is equal to A. अब यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि infinite terms तक का sum, तो यहाँ पर आपको बोलो उनके squares के sum जो है infinite तक का वो है 45, वो है 45. तो यहां पे बताओ बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 45 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म देखो यहां ये जो होता है a by 1 minus r, वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है फर्स्ट टर्म by 1 minus common ratio. तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, a square by 1 minus common ratio, बोलो कितना है common ratio, यहां पे r square, common ratio यहां पे r square, इसकी वैल्यू अगर हम बेटा देखेंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा 45 minus 45 r square is equals to a square, 45 minus 45 r square is equals to a square. अब यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास है, a की वैल्यू बेटा अपने पास है, हम इसको यहाँ से अगर इधर पुट कर दें तो देखो a square की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ 15 का square into 1 minus r का square, है ना, दोनों में से 15 common ले लेते हैं, तो 15 का square into 1 minus r का square, ये अपने पास आ जाएगा बेटा 225 times 1 plus r square minus 2r, 1 plus r square minus 2r, और इस पूरी चीज को अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, अगर इस पूरी चीज को मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 minus 45 r square, या इसको हम ऐसा लिख लेते हैं बेटा 45 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 1 minus r square, ये 1 minus r into 1 minus r, ठीक है ना, इसको सॉल्व अपन नहीं करते, इसको अपन यहां पे सॉल्व नहीं करते बेटा, ये थोड़ा सा अपना आसान हो जाएगा. देखो अपन ऐसा करते हैं, इसका कैलकुलेशन अपन थोड़ा सा इजी कर लेते हैं. यहां पे हम लिख लेते हैं 15 into 1 minus r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहां पे 15 into 1 minus r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और यहां पर अगर हम देखेंगे इसको अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 45 into 1 minus r square, मतलब 1 minus r into 1 plus r और is equals to a square.
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये वाला ए स्क्वायर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर इज टू 25 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर। ठीक है ना, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी इसको करके देख सकते हैं। यहां से बेटा आपने को पता है ये 45 है तो 45 इंटू 5 जो होता है, 45 इंटू 5 जो होता है वो कितना होता है 225 होता है, 45 इंटू 5 जो होता है वो 225 होता है। अब देखो बेटा अपने पास अगर यहाँ पे 1 माइनस आर 1 प्लस आर यहाँ पे 1 माइनस आर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर ये वाले पूरे टर्म्स को मैं वहां ले जाऊं तो अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर माइनस ये वाला टर्म वहां गया तो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 0। और ये दोनों टर्म्स में से बेटा 1 माइनस आर अपने पास कॉमन निकलता है तो अपने पास आ जाएगा 5 और माइनस 5r, 5 माइनस 5r और माइनस ये वाला देखो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा माइनस 1 और माइनस r, ये वाला माइनस 1 माइनस r तो बाहर आ गया, ये वाला भी 1 माइनस r तो बाहर आ गया, तो अपना अपने पास अंदर क्या बचा 5 माइनस 5r माइनस 1 माइनस r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो या तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी या इस पूरे की वैल्यू 0 होगी। तो अगर इसकी वैल्यू बेटा 0 हुई तो r की वैल्यू आ जाएगी 1, और अगर इस पूरे की वैल्यू 0 हुई तो यहां से अपने पास देखो 4, 5 माइनस 1 इज 4, माइनस 6r इज इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं 6r की वैल्यू 4 है, या हम बोल सकते हैं बेटा r की वैल्यू 4/6 है व्हिच इज नथिंग बट 2/3 व्हिच इज नथिंग बट 2/3। तो हमारे पास बेटा r की एक वैल्यू आती है 1, r की एक वैल्यू आती है 2/3, हमारे पास बेटा r की एक वैल्यू आती है 1 और r की एक वैल्यू आती है 2/3। अब आप एक चीज सोच के देखो आपको ये बोला जा रहा है बेटा कि इस सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। याद करो जब अगर आप r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये सीरीज हो जाएगी a a a a एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। जनरली जब ये n टर्म्स का हम सम निकालते थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था n टर्म्स का सम होता है n a, n टर्म्स तक का सम होता है n a, अगर r की वैल्यू 1 होती है तो gp में n टर्म्स तक का सम होता है n a। लेकिन क्योंकि बेटा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जब अगर r की वैल्यू 1 हुई तो जो सम होगा आपको जो फाइंड द सीरीज निकालने बोल रहा है इनफाइनाइट तक के लिए वो पॉसिबल ही नहीं होगा। सम अप टू इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, सम अप टू इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पे बेटा सम बोला गया 15 है, आपको यहां पे बेटा सम बोला गया 15 है। इस वजह से क्या होगा, दिस टर्म विल बी रिजेक्टेड, दिस टर्म विल बी रिजेक्टेड। तो यहां से अब बेटा अपने पास अगर r की वैल्यू 2/3 आई, अगर अपने पास r की वैल्यू 2/3 आई तो देखो आपके पास जो सीरीज होगी बेटा, अभी हमारे पास a निकालना बचा हुआ है, तो देखो a सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अगर r की वैल्यू 2/3 हम लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 15 इंटू a इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1 माइनस r, तो 1 माइनस r की जगह 2/3, तो ये अपने पास आ गया 15 इंटू 1/3 या इसको हम बोल सकते हैं 5, a की वैल्यू आ गई 5। जैसे ही अपने पास a की वैल्यू 5 आई तो पहला टर्म अपने पास बताओ क्या बना 5, उसके बाद 5 इंटू r, तो 5 इंटू r की जगह 2/3, फिर 5 इंटू 2/3 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू 2/3 का क्यूब, एंड दिस विल बी माय सीरीज। अब ये वाला बच्चों देखो, आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो बहुत पर्टिकुलर इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। आप देख सकते हो कि ये जो टर्म्स है बेटा, ये टर्म्स जीपी में नहीं, ये टर्म्स जीपी में नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करने में जो कंसेप्ट लगेगा वो जीपी का लगेगा। किस तरीके से किया जाता है देखो, मैं आपको ये चीज समझाता हूं। यहां पे अपने पास बेटा लिखा हुआ 9999 9999 9999 एंड सो ऑन। आप ये समझिए कि देखिए पहला टर्म है तो 9 एक बार, दूसरा टर्म है तो 9 दो बार है, तीसरा टर्म है तो 9 तीन बार है, चौथा टर्म है तो 9 चार बार, एंड सो ऑन। आप मुझे ये बताओ बेटा, ऐसे टर्म्स को बनाने के लिए, आप ऐसे वाले सवालों को बनाने के लिए, क्या मैं पहले वाले 9 को 10 माइनस 1 लिख सकता हूं? ठीक है, उसके बाद 99 को क्या मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूं? 999 को क्या मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं? 9999 को क्या मैं 10000 माइनस 1 लिख सकता हूं? एंड सो ऑन। फायदा क्या है यहां पे बेटा, आप देखो 10 माइनस 1 अगर लिखा तो ये माइनस 1 जो है, ये माइनस 1 कितनी बार लिखा हुआ?
अगर यहाँ पे n टर्म्स है, देखो यहाँ पे एक टर्म था तो एक बार दूसरे टर्म में, एक बार तीसरे टर्म में, एक बार चौथे टर्म में, एक बार अगर n टर्म्स है, अगर मेरे पास n टर्म्स है तो माइनस वन कितनी बार लिखा होगा, n टाइम्स लिखा होगा, माइनस वन n टाइम्स लिखा होगा। और पहले वाले जो टर्म्स को मैं देखूं तो देखो ये लिखा हुआ है 10, 10 में ऐड हुआ 100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, फिर उसमें ऐड हुआ 1000, तो उसमें हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, उसमें ऐड हुआ 10000, उसमें हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। देखो पहले वाले टर्म में 10 की पावर 1, दूसरे वाले टर्म में 10 की पावर 2 है, तीसरे वाले टर्म में 10 की पावर 3 है, चौथे वाले टर्म में 10 की पावर 4 है, ऐसा करके कहां तक n टर्म्स तक। और उसमें माइनस क्या कर रहे हैं, -1 -1 -1 -1 कितनी बार, n टाइम्स तक, तो मतलब क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। सोच के आप देखो, अगर 1 को मैं n टाइम्स ऐड करता हूं तो क्या बनता है, n बनता है। अगर 1 को हम n टाइम्स तक ऐड करते जाते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, अगर मैं n टाइम्स ऐड करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, n के बराबर होती है, क्योंकि वो माइनस साइन के साथ है, तो माइनस n आ गया। और यहां पर देखो ये अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास बेटा बन गया जीपी, जीपी का पहला टर्म है 10 और उसका कॉमन रेशियो भी है 10, तो इसका सम कितना आ जाएगा बोलो n टर्म्स तक का, क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसको मैं लिखूंगा a इनटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, तो 10 माइनस 1 होता है 9, 10 माइनस 1 होता है 9, और यहां आ गया माइनस, ये अपने पास आ गया n टर्म्स तक का सम, ये अपने पास आ गया बेटा इसका n टर्म्स तक का सम। जरूर बेटा ये आपके टर्म्स जो है वो जीपी में नहीं लिखे हैं, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका जीपी से ही होगा। बच्चों देखो इस तरीके के आपके पास जितने सवाल हैं, सबका अप्रोच हमेशा सेम रहेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सबको 9 वाले फॉर्म में बनाना है, आपको इस तरीके के जो भी टर्म्स लिखे हो आपको सबको 9 वाले फॉर्म में बनाना है और अपना सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको क्या बोला, आपको 9 वाले फॉर्म में बनाना है सबको। यहां से अगर बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बताओ इसको क्या मैं यहां से पूरे में से 7 कॉमन लेके ऐसा बोल सकता हूं 1 + 11 + 111 + 1111 + so on up to n terms, ऐसा बोल सकते हैं 7, देखो मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया। और इसके बाद अगर मान लो मैं इसको बोलता हूं कि बेटा 9 से डिवाइड भी कर दो और 9 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो क्या ये 9 + 99 + 999 + 9999 एंड सो ऑन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। और एक बार बेटा ये चीज बनी तो इसके बाद आपके लिए सॉल्व करना तो वही है जैसे हमने पिछले वाले में सॉल्व किया था, अब सेम कैलकुलेशन, तो मैं इसको अलग से वापस से आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऐसे वाले अगर अपने पास कोई भी टर्म्स आते हैं, तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको उसको 9 वाले फॉर्म में बनाना और सॉल्व करना है। जैसे अगर मान लो आपको सवाल दिया जाता है 5 + 55 + 555 + 5555 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, तो इसके में भी क्या होगा, सेम तरीका होगा, 5 आप कॉमन निकालोगे, इसको 1 + 11 और इस तरीके से लिखोगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, सेम आपको बेटा प्रोसीजर करना है। एक बार इस फॉर्म में अपने पास बन गया तो ये अंदर वाली चीज को सॉल्व करना अपने लिए बहुत आसान है, ठीक है बेटा। तो सेम वाले जैसे मैं आपको बताया था, इसको अपन होमवर्क में रख लेते हैं। एक तो ये 5 वाले का आपको मुझे पूरे के पूरे सम एग्जैक्ट बताना है कि कितना आएगा n टर्म्स तक का। और इसके बाद अपने पास मान लेते हैं, अगर अपने पास एक ये सवाल ले लिया, एक सवाल ले लेते हैं 0.9 + 0.99 + 0.999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, इसकी भी बेटा अपने को वैल्यू बतानी। ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क में, ये दोनों सवाल आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। So, बच्चों देखो इस कंसेप्ट का सवाल हमने अभी बनाया भी है। सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी इज 3। हमारे पास एक जीपी है जिसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है वो 3। आप एक बात समझ के चलो बेटा, अगर आपकी जीपी इंक्रीजिंग होगी, तो उसका सम हमेशा इंफिनिटी आएगा। अगर सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम अगर मान लो कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो वो आपकी जीपी डिक्रीजिंग ही है, उसी सिचुएशन में वो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आ सकता है। तो देखो अगर आपके पास बोला जाता है, मान लो हमारे पास एक जीपी है ar square एंड सो, अगर हमारे पास एक जीपी इस तरीके से दिया हुआ है
तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम, उसके इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम हमारे पास दिया हुआ है 3, सो हम बोल सकते हैं बेटा a by 1 minus r की वैल्यू है 3, a by 1 minus r की वैल्यू है 3। और अगर हमारे पास बोला जाता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 9/2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 9/2, तो बताओ अब जो नया मेरे पास बेटा gp बनेगा उसके पहला टर्म हो गया a स्क्वायर, फिर आ गया ar का स्क्वायर, फिर आ गया ar स्क्वायर का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पर बेटा ये जो सीरीज बन रही है ये भी है तो gp, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है और इसका कॉमन रेशियो r स्क्वायर। तो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसकी वैल्यू बेटा अपने पास बताओ कितनी है, सम अप टू इंफिनिटी ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 9/2, इसकी वैल्यू है 9/2। तो हमसे पूछा जा रहा है उसके क्यूब्स का सम, उसके क्यूब्स का सम, बेहद आसान सा बेटा सवाल है। यहां से देखो बेटा हम बोल सकते हैं a की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 - r, और यहां से हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2 × 1 - r² को लिख देते हैं 1 - r × 1 + r, इसको अपन लिख देते हैं 1 - r × 1 + r, और यहां से देखो हम यहां से बेटा a स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 × 1 - r² होल स्क्वायर। तो ये जो a स्क्वायर है इसकी वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 9 × 1 - r² होल स्क्वायर। तो ये वाला 9 और ये वाला 9 कैंसिल आउट हो गया। हमें ये चीज पता है कि अगर अपने पास एक डिक्रीजिंग जीपी, अगर हमारे पास एक डिक्रीजिंग जीपी है तो उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो 1 नहीं हो सकता, उसके कॉमन रेशियो को 1 से छोटा होना पड़ेगा। और वैसे भी इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम अगर मान लो कॉमन रेशियो 1 हो गया तो वो n a होता है, वो इंफिनिटी हो जाएगा अगर n की वैल्यू इंफिनिटी है। तो हम यहां पे बहुत सेफली बेटा बहुत सेफली ये वाला 1 माइनस r का फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते। फैक्टर्स कैंसिल आउट तब नहीं करते जब वो वैल्यूज हो सकते, लेकिन हमें पता है r की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, तो यहां पे हम इसके फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर सकते। यहां पे हमारे पास बताओ कितना आ गया, ये 2 इधर आ गया, तो 2 - 2r विल बी इक्वल टू 1 + r, या -2r वहां ले जाते हैं 1 यहां ले आते हैं, तो 2 - 1 विल बी इक्वल टू 3r, या हम बेटा बोल सकते हैं 3r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/3। कॉमन रेशियो क्योंकि 1 से हमारे पास छोटा है तो ऑलरेडी वो कंफर्म हो जा रहा है कि डिक्रीजिंग जीपी है। अब एक बार बेटा अगर r की वैल्यू 1/3 आ गई तो मुझे बताओ अगर मैं यहां पे फर्स्ट टर्म में रखूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a विल बी इक्वल टू 3 × 1 - r, तो 1 - 1/3, दिस इज 2/3, 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया 2, फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गया 2, और अपने पास जो कॉमन रेशियो है वो आ गया 1/3, फर्स्ट टर्म आया 2, कॉमन रेशियो आ गया 1/3। अब आपसे पूछा जा रहा था कि देन द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स, तो बताओ पहला अगर बेटा अपने पास टर्म a था तो उसका जो क्यूब हो, उसका जो क्यूब होंगे वो अपने पास फाइनली सीरीज बनेगी a क्यूब, फिर ar का होल क्यूब, ar स्क्वायर का होल क्यूब एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और इसमें हम एक चीज बेटा ये देख सकते हैं कि जो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म, अब मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो a क्यूब है, और अब जो मेरे पास कॉमन रेशियो है, अब जो मेरे पास कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू अपने पास आएगी r क्यूब, उसकी वैल्यू अपने पास आएगी r क्यूब। तो अपने पास इनफाइनाइट तक का सम कितना आ जाएगा, s इनफिनिटी विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म by 1 minus common ratio, या हम इसका आंसर बोल सकते हैं a क्यूब, तो a की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब होता है 8 अपॉन 1 minus r क्यूब, r की वैल्यू है 1/3, r क्यूब हो जाएगा 1/27, जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 अपॉन 27 minus 1, 26, और ये वाला 27 आ गया ऊपर, ये वाला 27 आ गया ऊपर, तो यहाँ 8 में आ गया 2 का फैक्टर तो 4, यहाँ आ गया 13, तो अपने पास जो फाइनल आंसर आया दैट इज 4 × 27 इज 108 अपॉन 13, 108 अपॉन 13 व्हिच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1, मान लेते हैं बेटा अपने पास एक जीपी है a, ar, ar स्क्वायर, ar क्यूब एंड सो एंड सो। हमारे पास बोला जा रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, पहले दो टर्म्स तक का सम, मतलब a प्लस ar, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1, और उसके बाद देखो एंड एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। ये स्टेटमेंट बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत
मतलब ट्रिकी स्टेटमेंट है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बोलना क्या चाह रहा है। स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, एंड एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। बोलने का मतलब ये कि अगर मैं पहला टर्म लू, अगर मैं पहला टर्म लू तो एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ, इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। मतलब इसकी वैल्यू होनी चाहिए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एवरी टर्म, मान लो अगर पहला टर्म है तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ, ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स, इसके बाद वाले जितने टर्म्स होंगे उन सब का सम। या अगर ये ना लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मान लो मैं ये वाला टर्म बोलता, अगर मान लो मैं ये वाला टर्म उठाया होता तो ए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, दिस ए आर शुड हैव बीन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ, ट्वाइस ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म्स। तो ये अपने पास आ जाता ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बात एक ही है बेटा, बात एक ही, आप सोचो आप अगर इन सारे टर्म्स में से एक आर का फैक्टर कॉमन ले लो, इन सारे टर्म्स में से अगर बेटा आप एक आर का फैक्टर कॉमन ले लोगे तो वो वाला आर और ये वाला ए, सॉरी वो वाला आर और ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बात वही। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि सवाल आपको बोलना क्या चाह रहा है। देखो अपने पास a प्लस ए आर की वैल्यू दी हुई है वन, और अपने पास ये एक रिलेशन अपने पास और दिया हुआ। अब इसमें अगर हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से मैं इसे सॉल्व करता हूं, a की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ, ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, इस इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो मुझे दिख रहा है r है और इसका फर्स्ट टर्म है ar, तो सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब यहां से हम अगर देखेंगे तो देखो a इंटू वन प्लस आर, a इंटू वन प्लस आर इसकी वैल्यू अपने पास 1 गिवन, a इंटू वन प्लस आर की वैल्यू अपने पास 1 गिवन। यहां से अगर हम बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या ये वाला a और ये वाला a कैंसल आउट हो गए, तो यहां से बताओ अपने पास क्या आ गया, ये वाला 1 माइनस आर यहां आ गया, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर या 1 इज इक्वल टू 3 आर एंड दिस गिव्स मी r इज इक्वल टू 1 बाय 3, कॉमन रेशियो मेरे पास आ गया 1/3। अगर कॉमन रेशियो 1/3 आ गया, अगर इसको मैं यहां पर पुट करूंगा तो अपने पास आ जाएगा a into 1 plus r, r की वैल्यू 1/3 will be equal to 1, तो a into 4/3 will be equal to 1 and this gives me a is equals to 3/4, this gives me a is equals to 3/4। तो हमसे क्या बोले जा रहे हैं, then its first term is, तो बताओ first term अपने पास क्या आ गया, first term is 3/4। सवाल की बेटा जो ब्यूटी है वो ये वाले इसमें, ये वाला इक्वेशन बनाने में, अगर आपने ये वाला इक्वेशन सही बनाया है तो आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर बेटा आपने इसका इक्वेशन बनाने में गलती कर दी है तो आपसे सवाल ये वाला नहीं होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, इसके बाद जरूर मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन 4-5 और दूंगा जो आपको बनाने हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। फिलहाल लास्ट वाला हम सवाल देखते हैं आज के लेक्चर का, इसमें लिखा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 1 + 3 + 3² + 3³ एंड सो ऑन अप टू 3^n-1 इज ग्रेटर देन 1000। n की वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी जिसमें इस पूरे का सम 1000 से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन बेटा देखें तो पहले वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 3^0 को, उसके बाद वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 3^1, फिर 3² फिर 3³ और ऐसा करते करते 3^n-1 तक, 3^n-1 तक। सोच के बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहाँ पे बेटा अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है n, क्योंकि ये 1 से n-1 तक तो n-1 टर्म्स होगा, और क्योंकि ये पहला टर्म 3^0 है तो अपने पास ये वाला जो टर्म है वो nth टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, n हुए। अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो हमें क्या पता है किसी जीपी में, क्योंकि ये जीपी है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 3, तो किसी भी जीपी में n टर्म्स तक का सम कितना होता है, वो होता है Sn is equals to a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1। ये किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास n टर्म्स का सम होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है 3 है विच इज ग्रेटर देन 1, इस वजह से मैंने आपको इस फॉर्म में यहाँ पे लिखेशन दिया है। तो हमारे पास अगर बेटा हम s ऑफ n निकालेंगे तो s ऑफ n आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू है 1, 3^0 इज 1, तो 1 into r raised to the power n, r की वैल्यू है 3, तो 3^n-1 upon
3 माइनस 1 आ जाएगा 2। अब आपके पास इस पूरे की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1000, तो मैं ये बोल सकता हूं दिस शुड बी ग्रेटर देन 1000, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1000, या मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 2000, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2000, क्योंकि ये वाला जो है 2 इधर आ जाएगा, तो दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 2000, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 2001, ये अपने पास आ गया 3 रेज़ टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 2001। एक बार बेटा मेरे पास ये चीज आ गई, अब आप सोचो n की वैल्यू जब 1 होती है तो ये आ जाएगा 3, 3 से पावर मतलब 3 है ना, n की वैल्यू 2 में आ जाता है 9, n की वैल्यू 3 में आ जाता है 27, n की वैल्यू 4 में आ जाता है ये 81, ये सब आपको अपने दिमाग में बेटा कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू जब 5 होती है तो ये हो जाता है 243, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 243। n की वैल्यू 6 होते ही बताओ ये कितना आ जाएगा, 6 होते ही बेटा ये हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 729, और जैसे ही मैं n की वैल्यू 7 रखूंगा, जैसे ही ये 37 मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 3927, 7 के लिए 2, 3 2 6 और 2 8 और 37 21, 2187, ये आ जाएगा 2187। तो आप मुझे बताओ कि जब मैं अगर n की वैल्यू 6 रखता, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 6 रखता तो क्या 3 रेज़ टू द पावर 6 2001 से बड़ा होता क्या, नहीं होता। इसका मतलब मुझे n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 7 रखनी पड़ेगी। जैसे ही मैं n की वैल्यू 7 रखूंगा यहां पे ये 2187 बनेगा, which is greater than 2000, so the least value is, n is equal to 7, the least value is n is equal to 7। ठीक है बच्चों, तो होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये सवाल आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट से बताना है कि इसका क्या आंसर आता है। साथ ही में जो बीच में आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 सवाल दिए थे, विच ऑफ 5 + 55 + 555 + 0.9 + 0.99 + 0.999, ये वाले जो 2 सवाल थे इनका भी जो आपको सॉल्यूशन है वो मुझे शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। आई बिलीव बच्चों आपको आज का लेक्चर पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना जरूरी है और कमेंट्स में आप मुझे जरूर अपने इन सवालों के जवाब दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।